हेलो फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपकी बुक के अंदर एक टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट तो इलास्टिक कांस्टेंट में आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कि जहां पर हमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस स्टेट कंसीडर करना है हमें एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस स्टेट कंसीडर करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सो so, ये जो न्यूमेरिकल है आपकी बुक के अंदर अलग से एक चैप्टर दिया गया होगा इलास्टिक कॉन्स्टेंट या तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर के अंदर ही आपको ये टॉपिक मिलेगा तो so, इस न्यूमेरिकल को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे सो so, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है स्क्वायर प्रिज़म ऑफ मेटल 60 मिमी mm मल्टीप्लाई 60 मिमी इन क्रॉस सेक्शन एंड 300 मिमी लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ़ 450 मेगापास्कल अलोंग इट्स लॉन्गिटुडियल एक्सिस सो यहाँ पर एक स्क्वायर प्रिज़म दिया गया है 60 मिमी mm मल्टीप्लाई 60 मिमी mm, उसका क्रॉस सेक्शन है और स्क्वायर प्रिज़म की हमें जो लेंथ दी गई है वो लेंथ कितनी दी गई है That is 300 mm सो so, यहां पर हमें दिया गया है कि टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट हो रही है टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 450 मेगापास्कल अलोंग इट्स लोंगिट्यूडिनल एक्सिस सो यहां पर लोंगिट्यूडिनल एक्सिस वाली एक्सिस हुई सो so, यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट हो रही है 450 न्यूटन पर mm2 स्ट्रेस है इसीलिए ये जो एरो हमें दिखाना है वो एरो कौन सी डायरेक्शन में होगा आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा आगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है लेटरल कंप्रेशन ऑफ 240 मेगापास्कल एंड लेटरल टेंशन ऑफ 120 मेगापास्कल अलोंग द पेयर ऑफ़ साइड्स सो यहाँ पर कंप्रेशन जो स्ट्रेस दी गई है वो हमें दी गई है सिग्मा वाई इज इक्वल टू टू फोर्टी न्यूटन पर एम एम एंड यहां पर दिया गया है लिटरल टेंशन ऑफ 120 ट्वेंटी मेगा पासकल टें फोर्स है जेड डायरेक्शन में सो यहां पर हम क्या लिखेंगे सिग्मा z तो न्यूटन पर सो अगेन एक बार मैं रिपीट करता हूँ लॉन्गिट्यूड एक्सिस में कितनी स्ट्रेस दी गई है दैट इज सिग्मा एक्स इज इक्वल टू तो फोर फिफ्टी न्यूटन पर एम एम स्क्र दैट इज है इसलिए यहाँ पर हमने एरो आउटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट किया है सेकंड जो स्ट्रेस है लेटरल कंप्रेशन है टू हंड्रेड फोर्टी न्यूटन पर एमएम कंप्रेशन टाइप स्ट्रेस है दैट मींस पर जो एरो है वो अंदर की डायरेक्शन में होगा एंड जो जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस एक्ट हो रही है वो है टेंसाइल और उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है 120 ट्वेंटी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर यहाँ पर भी टेंसाइल है दैट दीन्स हम एरो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर रखेंगे अब हमें आगे क्या दिया गया है

चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल और ओवरऑल जो वॉल्यूम है उसमें कितना चेंजेस हो रहा है वो हमें फाइंड करना है यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी गई है 0.36 पॉइंट म्यू क्या होता है दैट इज द पॉइजन रेशियो पॉइजन रेशियो हमें दिया गया है 0.36 पॉइंट म्यू की जगह पर आप 1 बाय एम भी लिख सकते हो 1 बाय एम और म्यू दोनों पॉइजन रेशियो के ही सिम्बोल है सो वन एम दैट इज गिवन जीरो So, इस टाइप के न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए तो so, इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको फाइंड क्या करना होता है आपको फाइंड करना होता है स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन एक्स सिमिलरली स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन दैट मींस ई वाई एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन दीन्स इन सो फर्स्ट ये तीन टाइप so के इक्वेशन आपको फॉर्म करना है

थ्री डायरेक्शन कंसीडर करनी है स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन सो यहां पर स्ट्रेन का इक्वेशन क्या हुआ सिग्मा बाय ई। सो हमें सबसे पहले यहां पर क्या करना है तीन बार सिग्मा बाय ई लिख देना है दैट इज सिग्मा बाय ई। अगेन सिग्मा बाय ई एंड सिग्मा बाय ई। अब आपको क्या करना है स्ट्रेसिस जो है एक स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन के लिए है एक वाई डायरेक्शन के लिए है एंड एक जेड डायरेक्शन के लिए है तो यहां पर हम क्या लिख देंगे दैट इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड अब आपको क्या करना है इसका साइन कन्वेक्शन ध्यान में रखना है अगर फॉर एग्जाम्पल टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है तो टेंसाइल स्ट्रेस के लिए हम जनरली साइन कौन सी लेते हैं प्लस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर एक्ट हो रही है तो उसके लिए हम साइन कौन सी कंसीडर करते हैं माइनस अब यहां पर आप जिस डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन फाइंड कर रहे हो उसकी राइट right डायरेक्शन लेनी है राइट डायरेक्शन दैट मींस अगर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है तो प्लस कंसीडर करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है तो माइनस कंसीडर करेंगे सो so, हमें लीनियर स्ट्रेस जो है मीन्स जो फर्स्ट स्ट्रेस हमारी है उसके लिए राइट डायरेक्शन कंसिडर करनी है जो नॉर्मल साइन है वही नॉर्मल साइन हमें लेनी है सो सिग्मा एक्स यहाँ पर कौन सा स्ट्रेस है स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस के लिए हमने कौन सी साइन कंसिडर की है पॉजिटिव साइन सो यहां पर सबसे पहले हम क्या साइन कंसिडर करेंगे दैट इज पॉजिटिव साइन अब सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड वो जो लेटरल स्ट्रेसिस है उसके लिए हमें जो नॉर्मल साइन कन्वेक्शन है उसकी ऑपोजिट साइन कंसिडर करनी है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिग्मा वाई वो कौन सा स्ट्रेस है कंप्रेसिव स्ट्रेस है सो so, कंप्रेसिव के लिए हम साइन कौन सी लेते हैं माइनस बट वो लेटरल स्ट्रेसिस के लिए हमें साइन कौन सी कंसिडर करनी है ऑपोजिट साइन कंसिडर करनी है मीन्स यहाँ पर सिग्मा वाई कंप्रेसिव है तो हमें उसकी साइन कंसिडर करनी है प्लस Similarly, sigma Z tensile है, है, so उसके लिए sign क्या हुई plus, but हमें यहाँ पर उसकी opposite sign रखनी है, that is minus. Again, मैं एक बार repeat करता जिस के अंदर आप स्ट्रेन फाइंड कर रहे हो उसकी नॉर्मल साइन लेनी है, means, tensile हो तो प्लस कंप्रेसिव हो तो माइनस और जो रिमेनिंग टू स्ट्रेसिस है लेटरल उसके लिए हमें ऑपोजिट साइन कंसिडर करनी है मीन अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है तो हमें प्लस कंसिडर कर लेंगे और स्ट्रेस अगर लग रहा है तो उसकी ऑपोजिट साइन दैट मीन्स माइनस कंसिडर कर लेंगे अब जहां पर हमने रॉन्ग साइन कंसिडर की है वहां पर हम पोइजन रेशियो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे दैट मीन्स वन बाई एम वन बाय जहां पर हमने रॉन्ग साइन कंसिडर की थी वहां पर हमें क्या कर देना है पॉइजन रेशियो मल्टीप्लाई कर देना है सो so, इस तरह से हमें स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन मिला दैट इज सिग्मा एक्स बाई प्लस वन बाय एम सिग्मा वाई बाई माइनस वन बाय एम इंटू सिग्मा जेड बाई सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन का इक्वेशन फॉर्म करेंगे हमारी जो फर्स्ट स्ट्रेस है वहाँ पर हमें नॉर्मल साइन यूज करनी है क्योंकि वो लीनियर स्ट्रेस होगी और जो रिमेनिंग टू स्ट्रेसिस होगी लेटरल स्ट्रेसिस उसके लिए हमें ऑपोजिट साइन कंसिडर करनी है सो so, यहाँ पर स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन का इक्वेशन क्या होगा सिंपल पहले हम क्या लिख लेंगे सिग्मा बाई सिमा बाई सिग्मा बाई कैपिटल ई तीन बार लिख देना है सबसे पहले जिस डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन फाइंड कर रहे हो वो फर्स्ट लिख दो तो सिग्मा 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 वाई रिमेनिंग कौन सा रहा दैट इज एक्स जेड अब हम जिस डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन फाइंड कर रहे हैं वहां पर कंप्रेसिव हो तो माइनस कंसीडर करेंगे टेंसाइल हो तो प्लस कंसीडर करेंगे मींस उसकी जो साइन है वो हम राइट right कंसीडर करेंगे जो साइन है वही साइन हमें लेनी है सो so, यहाँ पर सिग्मा वाई कौन सी डायरेक्शन में है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव है तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे सो so, सिग्मा वाई बाई अब जो दो रिमेनिंग रहे सिग्मा एक्स एंड सिग्मा जेड उसके लिए हमें रॉन्ग साइन लेनी है ऑपोजिट साइन लेंगे अगर टेंसाइल के लिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है प्लस तो सिग्मा एक्स अगर टेंसाइल होगा तो उसकी साइन हमें क्या कंसीडर कर लेनी है माइनस ओपोजिट साइन कंसीडर करनी है सो सिग्मा एक्स यहाँ पर क्या था टेंसाइल सो टेंसाइल के लिए जनरली हम क्या लेते हैं पॉजिटिव बट हमें यहाँ पर ऑपोजिट साइन कंसीडर करनी है दैट इज माइनस और जहां पर ऑपोजिट साइन कंसीडर की वहां पर प्वाइजन रेशियो से क्या कर देना है मल्टीप्लाई आप 1 बाय एम भी लिख सकते हो या म्यू भी लिख सकते हो सिमिलरली जेड डायरेक्शन के लिए साइन क्या थी टेंसाइल स्ट्रेस है सो so, उसकी ऑपोजिट साइन क्या हुई माइनस सो माइनस और पोइजन रेशियो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन का इक्वेशन क्या हुआ माइनस सिग्मा वाई बाई माइनस वन बाई एम सिग्मा एक्स बाई माइनस वन बाई एम सिग्मा जेड बाई सो इस तरह से स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन का इक्वेशन फॉर्म हो गया है सिमिलरली स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन स्ट्रेन का इक्वेशन क्या था सिग्मा बाय कैपिटल ई सो ई जेड में हम क्या लिखेंगे सिग्मा ज़ेड बाय कैपिटल ई ए जो ज़ेड डायरेक्शन के लिए हम फाइंड कर रहे हैं तो ज़ेड की डायरेक्शन राइट right रखनी है सो so, ज़ेड क्या था टेंसाइल स्ट्रेस सो यहां पर सिग्मा ज़ेड क्या हो जाएगा प्लस अब जहां पर नॉर्मल साइन या तो राइट right साइन ली है वहां पर हमें पॉइसन रेशियो मल्टीप्लाई नहीं करना है अब हम लिखेंगे सिग्मा एक्स बाई वन बाई एम अब सिग्मा एक्स की डायरेक्शन क्या है टेंसाइल. तो हम उसकी ओपोजिट साइन कंसीडर करनी है क्योंकि हम स्ट्रेन फाइन कर रहे हैं जेड डायरेक्शन में सो so, टेंसाइल के लिए हम प्लस लेते हैं तो उसकी ओपोजिट साइन क्या हुई दैट इज माइनस नेक्स्ट हम लिखेंगे सिग्मा वाई बाई स्ट्रेसिस इन वाई डायरेक्शन कौन सी है कंप्रेसिव सो कंप्रेसिव के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं माइनस बट उसकी ऑपोजिट साइन क्या हुई प्लस सो प्लस पोइजन रेशियो में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है सो so, इस तरह से सिंपली आप एक ही सेंटेंस याद रखो कि अगर हम जिस डायरेक्शन में स्ट्रेन फाइंड कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन जो भी हो वो राइट right कंसीडर करनी है नॉर्मल साइन कंसीडर करनी हो मींस टेंसाइल है तो प्लस कंप्रेसिव है तो माइनस उसके बाद वाली जो दो लिटरल स्ट्रेसिस रहेंगी वहां पर आपको पॉइजन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है और ऑपोजिट साइन कंसीडर करनी है सो so, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन के इक्वेशन फॉर्म करने हैं अब हम इस न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे सो so, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू गिवन है सिग्मा एक्स की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 450 फिफ्टी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सिग्मा वाई की वैल्यू गिवन है टू फोर्टी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सिग्मा जेड की वैल्यू गिवन है वन ट्वेंटी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड यहाँ पर मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है वन फिफ्टी गीगा पासकल सो so, यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू आप क्या लिख दोगे दैट इज 450 न्यूटन पर एम एम स्क्वायेयर सिग्मा वाई टू फोर्टीन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सिग्मा जेड 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायेयर सो यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है वो उसका यूनिट क्या है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या दिया गया है दैट इज गीगा पासकल सो वन फिफ्टी को आपको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर एम एम स्क्वायेयर सो गीगा पासकल दैट मीन्स टेन रेस्ट टू नाइन पासकल पास्कल हमें पता है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सो गीगा पास्कल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब हमें मीटर को कन्वर्ट करना है एम एम सो वन मीटर दैट इज वन थाउजेंड एमएम सो टेन रेस टू थ्री यहाँ पर मीटर स्क्वायर है सो so यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे सो टेन रेस टू थ्री का स्क्वायर सो टेन रेस टू थ्री का स्क्वायर क्या हुआ टेन रेस टू सिक्स टेन रेस टू सिक्स ऊपर आएगा दैट मीनस टेन रेस टू माइनस सिक्स सो टेन रेस टू नाइन माइनस सिक्स दैट इज टेन एस टू थ्री वन फिफ्टी गिगा पासकल का न्यूटन पर एम एम स्क्र कितना होगा दैट इज वन फिफ्टी इन टू टेन रेस टू थ्री न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सो आपको यूनिट भी इसमें ध्यान रखने हैं. तो यहाँ पर सिग्मा एक सिग्मा वाई सिग्मा जेड की वैल्यू गिवन है मॉड्युलर ऑफ इलास्ट्रिसिटी की वैल्यू गिवन है वन फिफ्टी इंटू टेन टू थ्री न्यूटन पर स्क्वायर एंड रेशियो रेशियो की वैल्यू गिवन है दैट इज जीरो पॉइंट थ्री सिक्स आप इसको म्यू भी लिख सकते हो या वन बाय एम भी लिख सकते हो अब ऑलरेडी हमने इक्वेशन डिराइव किया है स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या है सिग्मा एक्स बाय ई प्लस वन बाय एम सिग्मा वाई बाय ई माइनस वन बाय एम सिग्मा जेड बाय ई सो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन आपके पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड की वैल्यू है ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है एंड वन बाई एम दैट इज द पॉइजन रेशियो सो जीरो पॉइंट थ्री सिक्स मल्टीप्लाई करना है आपको डिवाइड नहीं करना है सो so, यहाँ पर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन आप सभी वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दैट इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री टू एट इसका कोई यूनिट नहीं होगा जनरल स्ट्रेन हम क्या लिखते हैं डेल्टा एल बाय एल सो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है कोई डायमेंशन नहीं होता है अब हम फाइंड करेंगे चेंजेस इन डायमेंशन इन एक्स डायरेक्शन सो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या हुई दैट इज डेल्टा एल एक्स बाय एल एक्स सो चेंजेस इन डायमेंशन इन एक्स डायरेक्शन दैट इज डेल्टा एल एक्स इज इक्वल टू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ सो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ऑलरेडी हमने फाइंड की दैट इज 0.00328 मल्टीप्लाई लेंथ हमें कितनी गिवन थी दैट इज 300 एमएम mm. यहां पर लेंथ गिवन है 300 हंड्रेड एम एंड क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है दैट इज 60 मल्टीप्लाई सिक्सटी सो लेंथ की जगह पर हम क्या लिख देंगे दैट इज 300 हंड्रेड एम एम सो इसका मल्टीप्लाई करेंगे सो so, हमारा आंसर क्या आ गया दैट इज डेल्टा एल एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन एट सिक्स फोर एम एम यहाँ पर आंसर हमारा प्लस आ रहा है प्लस आ रहा है दैट मीन्स डायमेंशन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है सो so, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इलोंगेशन लिख देंगे अगर माइनस आ रहा होगा तो डायमेंशन क्या हो रहा होगा डिक्रीज हो रहा होगा सिमिलरली अब हम फाइन करेंगे क्या हुआ था दट इज इज इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई बाई माइनस वन बाई एम सिग्मा एक्स बाई माइनस वन बाई एम सिग्मा जेड बाई सो सिमिलरली यहाँ पर हम लिख देंगे स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन सिग्मा वाई बाई माइनस वन बाई एम इन टू सिग्मा एक्स बाई माइनस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई एम सो हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड की वैल्यू है मॉड्युल इलास्टिसिटी की वैल्यू एंड पॉइजन रेशियो है सो so, यहाँ पर स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन हम इस वैल्यू को पुट करेंगे सो so, हमारा आंसर कितना आ जाएगा दैट इज माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू नाइन सिक्स एट सिमिलरली हम फाइन करेंगे चेंजेस इन डायमेंशन इन वाई डायरेक्शन सो इक्वेशन क्या होगा आगे का इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ था जैसे डेल्टा एलेक्स चेंजेस इन एक्स डायरेक्शन सो यहाँ पर चेंजेस इन वाई डायरेक्शन क्या होगा मल्टीप्लाई सो चेंजेस इन डायमेंशन इन वाई डायरेक्शन दैट इज स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड उसका डायमेंशन क्या था सिक्सटी सो वैल्यू पुट करेंगे सो हमारा आंसर क्या आया माइनस जीरो पॉइंट वन सेवन एट जीरो हो रहा है सिमिलरली हम फाइंड करेंगे स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन सो सिग्मा जेड बाय ई माइनस सिग्मा एक्स बाय एम ई प्लस सिग्मा वाई बाय एम ई पुड द वैल्यूज ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड मॉड्यूलस ऑफ इलास्ट्रिसिटी एंड पॉइजन रेशियो सो वी गेट जीरो पॉइंट जीरो 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 टू नाइन सिक्स सिमिलरली हम फाइंड करेंगे चेंजेस इन डायमेंशन इन जेड डायरेक्शन सो इक्वेशन क्या होगा स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन और उसका जेड डायरेक्शन का डायमेंशन क्या था दैट इज सिक्सटी सो पुड द वैल्यूज सो गेट जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन सेवन सिक्स पर भी क्या होगा इलोंगेशन होगा होगा क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है प्लस आ रहा है अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल सो उसके लिए इक्वेशन क्या है सो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू ई प्लस ई प्लस ई वी का मीनिंग क्या होगा वॉल्यूम सो so, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई जो क्रॉस सेक्शन आपको दिया गया है उतना वॉल्यूम होगा सो so लेंथ कितनी दी गई है 300 एंड क्रॉस सेक्शन कितना दिया गया है 60 मल्टीप्लाई सिक्सटी सो वॉल्यूम क्या हुआ 300 हंड्रेड मल्टीप्लाई सिक्सटी मल्टीप्लाई सिक्सटी ऑलरेडी हमने ई एक्स ई वाई एंड ई जेड फाइन कर दिए तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है सो so उसका आंसर क्या आएगा तीनों का एडिशन करके जीरो फिर इसका जो आंसर आ रहा है उसको 0.000608 से मल्टीप्लाई करना है सो चेंज इन वॉल्यूम हमारा कितना आया दैट इज 656.64 फाइव सिक्स पॉइंट सिक्स फोर एम एम क्यूब यहाँ पर भी आंसर आ रहा है प्लस में सो so हम ब्रैकेट में लिख देंगे इंक्रीज इन वॉल्यूम सो इस तरह से हम कोई भी इलास्टिक कॉन्स्टेंट के रिलेटेड न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू